वहीं भारत निर्वाचन आयोग के सुगम मतदान अभियान की पहल पर 5 लाख से ज्यादा दिव्यांगों को वोटर बनाया गया है। निर्वाचन विभाग ने इस बार के चुनाव के लिए विशेष व्यवस्था की है कि इन दिव्यांग वोटर्स को अब वॉलंटियर घर से लेकर आएंगे और मतदान केंद्र से वोट डलवाकर वापस घर छोड़ने का काम करेंगे। राजस्थान में इस बार 5.5 लाख नए दिव्यांग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। पहली बार एक साल में 5.5 लाख दिव्यांग मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। इस बार निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के सुगम मतदान की थीम पर कई नवाचार किए हैं। 2018 को सुगम मतदान वर्ष घोषित किया गया है ताकि दिव्यांग वोटर्स अपने अधिकारों का इस्तेमाल आसानी से कर सकें। इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। वोटिंग के दिन विशेष एक्शन प्लान होगा। दिव्यांग को मतदान के दिन विशेष सुविधा मिलेगी। दिव्यांगों को वॉलंटियर घर से बूथ तक लेकर आएंगे और मतदान केंद्र से वोट डलवाकर फिर वापस घर छोड़ेंगे। दिव्यांगों को लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा, ना ही नाम की पर्ची के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों के अलग से वोटर लिस्ट होगी। वही जागरूकता के बार बार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सुगम निर्वाचन पर दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला भी हुई है। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर, वॉलंटियर और रैंप भी होगा। ब्रेल युक्त मतदाता पहचान पत्र बनाने का काम हो रहा है। मतदान केंद्रों में दिव्यांगों के लिए खास शौचालय बनेंगे। स्टैंडर्ड वोटिंग टेबल और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। नोडल ऑफिसर को चेकलिस्ट दी जाएगी। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार किया जाएगा। ऑन स्पॉट पंजीकरण की सुविधा भी निर्वाचन विभाग देगा और एक कॉल पर BLO हाजिर होंगे। इसके अलावा दिव्यांग टोल फ्री नंबर 1950 पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज भारद्वाज का कहना है कि दिव्यांग वो तबका है जिसके लिए पहले कभी इतनी गंभीरता से काम नहीं किया गया। पहली बार चुनाव आयोग के प्रयास से दिव्यांगों को अपना अधिकार मिलेगा। राजस्थान निर्वाचन विभाग ने बहुत बड़ी संख्या में कई प्रकार के ऐसे प्रोग्राम किए जिससे कि इस खास कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको इसके प्रति अवेयरनेस आए। इसके लिए उन्होंने मैराथन भी की, इसके लिए कई तरह के और प्रोग्राम भी किए गए। मैं मानता हूँ कि ये डिपार्टमेंट का पहला प्रयास था कि जिसमें इन्होंने विशेष योग्यजन को बहुत खास तौर पे बहुत ही अहम महत्वपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने की कोशिश की। इवन कई प्रकार की ऐसी योजनाएं भी जिनमें इनको ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाने की बात की गई है, कई प्रकार की ऐसी योजनाएं जिनमें इनको सहायक उपलब्ध करवाने की बात की गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हुई कार्यशालाओं में ये भी सामने आया है कि देश और प्रदेश में जितनी आबादी है उससे काफी कम वोटर बने हैं। राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा दिव्यांग हैं, लेकिन 5 लाख से ज्यादा ही दिव्यांग वोटर्स के रूप में पंजीकृत हुए हैं। वे दिव्यांगों में से 90% BPL की श्रेणी में हैं। फिर भी निर्वाचन विभाग के अभियान में 5.5 लाख दिव्यांग वोटर्स नए जोड़े गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसी के प्रयासों के तहत लगभग 5.5 लाख दिव्यांग आज के डेट में हमारे वोटर लिस्ट में जुड़ चुके हैं। मतदाता सूची में उनका नाम आ चुका है। उनके लिए एक अवेयरनेस ड्राइव कि फला तारीख को आपके यहाँ वोटिंग है। कई बार तो दिव्यांगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि किस तारीख को वोटिंग करनी है, भले ही वो वोटर हो, उनके पास में वोटिंग कार्ड हो। दूसरी, उनको पोलिंग बूथ तक ले करके आने के लिए और पोलिंग कराने में जो जो सुविधाएं चाहिए वो इंश्योर करना। हमने हर पोलिंग बूथ पे वॉलंटियर्स लगाने का। दिव्यांगों को लोकतंत्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कई विभागों में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। निर्वाचन विभाग और भारत निर्वाचन आयोग सामूहिक रूप से इसी पर काम कर रहा है। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।